ओम नमः शिवाय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष रविवार चतुर्दशी तिथि सुबह 6:30 बजे तक लगी रहेगी, तत्पश्चात पूर्णिमा लग जाएगा। चंद्रमा आज चित्रा नक्षत्र में 2:15 बजे तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। चित्रा नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर शरीर वाले, धनी, संतोषी, विचारधारा वाले, धन ऐश्वर्य से युक्त और धार्मिक रुचि रखने वाले होते हैं। ये उच्च अभिलाषी, महत्वाकांक्षी, सौंदर्य और कला में रुचि रखने वाले और अद्भुत आकर्षण शक्ति वाले होते हैं। ऐसे जातक कला और तकनीकी विषयों में रुचि रखने वाले, आदर्शवादी और संगीत प्रेमी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, मंगल शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज तुला राशि में चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। आज से सभी जातकों के ऊपर पूर्णिमा का असर चालू हो जाएगा। मेष राशि के जातकों के लिए दोपहर तक का समय कार्य ऊर्जा को बढ़ाने वाला होगा। रचनात्मक सक्रियता और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे और कार्य क्षेत्र के निरंतर विकास की मानसिकता बनी रहेगी। धन लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर दोपहर के बाद राहु का नक्षत्र प्रभावी होगा, जिससे निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति, उत्साह में उतार चढ़ाव और सक्रियता प्रभावित होने का संकेत मिलता है। दोषारोपण की संभावना और धन हानि की आशंका हो सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर के पहले ही ले लेना चाहिए। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वृष राशि के जातकों के लिए कार्य ऊर्जा में उतार चढ़ाव बना रहेगा। निर्णय लेने की क्षमता में भ्रम की स्थिति संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के लिए सावधानीपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है, मगर पहले की चली आ रही योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी और आपका कार्य सुचारू ढंग से चलता रहेगा। साझेदारी के लिए आज का समय उपयुक्त नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में प्रयास जारी रखें। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए दोपहर तक का समय मानसिक उत्तेजना और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं वाला हो सकता है। आर्थिक लाभ में सहयोग बना रहेगा और कार्य योजनाएं पूर्ववत चलती रहेंगी और कुछ अनावश्यक खर्च की प्रवृत्ति बनी रहेगी। संतान संबंधी मामलों में और आवश्यक संसाधनों के उद्देश्य से निवेश की स्थिति संभावित है, मगर दोपहर के बाद का समय कार्य ऊर्जा में ह्रास, आत्मविश्वास में कमी और भ्रमात्मक स्थिति के उतार चढ़ाव में बीतेगा। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के लिए संकेत करता है, मगर संतान संबंधी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए सफलतादायक सिद्ध होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए पूर्णिमा का असर लाभदायक सिद्ध होगा। प्रबल शारीरिक ऊर्जा और सकारात्मक मानसिक स्थिति बनी रहेगी और प्रभावशाली इच्छा शक्ति आपके हर कामों को सरल और सुविधाजनक रूप से संपन्न करने के लिए सक्षम होगा। घर गृहस्थी और कार्य क्षेत्र से अतिरिक्त जिम्मेदारी का संकेत मिलता है और पूरे दिन व्यस्तता का माहौल बना रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और नई कार्य योजनाओं के विकास में आपका योगदान महत्वपूर्ण होगा, मगर कुछ मामलों में भ्रम और दोषारोपण की स्थिति संभावित है। संतान संबंधी मामलों में कुछ चिंता लगी रह सकती है और अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल और राहु के नक्षत्र का फल सकारात्मक रूप से अधिकतर मामलों में शुभ फलदायी होगा। महत्वपूर्ण कामों में आपके रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और कार्य क्षेत्र में विकास की मानसिकता बनी रहेगी। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है और नई कार्य योजना के प्रस्ताव मिलते रहेंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। सरकारी कामों में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। संतान संबंधी चिंता में कमी आएगी और भाग्यवश काम अच्छे होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए।
कन्या राशि के जातकों के लिए धन संबंधी अपेक्षाएं पूरी होंगी और अचानक धन लाभ का योग बनता है। मित्र व सहयोगियों से भी लाभ संभव है। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और नए प्रस्ताव शामिल होंगे। साझेदारी सफल रहेगी, मगर निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। दोपहर के बाद का समय धन हानि, दोषारोपण, भ्रमात्मक स्थिति और संतान संबंधी चिंता का संकेत देता है, मगर सकारात्मक प्रेरणा और आत्मविश्वास से बाधाओं को निपटाने में सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास जारी रखें। तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं, मानसिक भ्रम और अतिरिक्त कार्यभार का संकेत मिलता है। कार्य क्षेत्र के प्रति विकास की मानसिकता और नई कार्य योजनाओं में व्यस्तता बनी रहेगी। प्रस्तावों को लागू करना और उनका प्रबंधन सुचारू ढंग से होता रहेगा, मगर आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। पारिवारिक प्रेरणा और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके कामों को सरल बनाएंगे। सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा और साझेदारी सफल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। संतान संबंधी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनावश्यक खर्च की स्थिति संभावित है। निर्णय लेने की क्षमता में दोपहर तक अनुकूलता महसूस होगी। कार्य क्षमता का पूरा लाभ मिलता जाएगा और आत्मविश्वास बना रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार होता जाएगा और साझेदारी सफल रहेगी, मगर दोपहर के बाद का समय नकारात्मक विचारों को जन्म देने वाला होगा। अनचाही यात्रा की संभावना बनी रहेगी और निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है। सुचारू ढंग से चल रहे कुछ कामों में अवरोध की संभावना भी बनती है और संतान संबंधी मामलों में चिंता का माहौल बना रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास जारी रखें। धनु राशि के जातकों के लिए आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। कार्य ऊर्जा सकारात्मक रूप से बनी रहेगी और पूरी निष्ठा से कार्य क्षेत्र में लगे रहेंगे। नई योजनाओं के लाभकारी प्रस्ताव सामने आएंगे और यथासंभव आप उनको लागू करते जाएंगे, मगर दोपहर के बाद विचारों में अचानक परिवर्तन का दौर संभावित है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी। धन खर्च की स्थिति और आत्मविश्वास में गिरावट का संकेत मिलता है, मगर कार्य क्षेत्र की निरंतरता आपके मेहनत प्रधान मानसिकता के कारण प्रभावित नहीं होगी। हालांकि शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, मगर धन संबंधी मामलों में गहरी आवश्यकता महसूस होगी। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विकास और सुचारू ढंग से चलाते रहने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और किसी सभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आय संबंधी मामले अनुकूल रहेंगे और घरेलू संसाधनों के प्रबंधन की मानसिकता बनी रहेगी। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा और कार्य क्षेत्र की सफलता से आत्मविश्वास में और वृद्धि होगी। साझेदारी के कामों में सफलता संभावित है, मगर दोपहर के बाद का समय राहु के नक्षत्र का होगा, जिससे कार्य क्षेत्र में अचानक गड़बड़ी या रुकावट का संकेत मिलता है और साझेदारी के कामों में साजिश की संभावना बनती है, मगर शासन सत्ता का सहयोग और आपका आत्मविश्वास इन समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होंगे। संतान संबंधी मामले में आत्मविश्वास बढ़ेगा और अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है। वाद विवाद से परहेज रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सहूलियत मिलेगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें लाभदायक स्थिति बनी रहेगी। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा, मगर दोपहर के बाद का समय भ्रमात्मक स्थिति को जन्म देगा। उत्साह में कमी और कामों में रुकावट का संकेत मिलता है, अतः महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर के पहले ही ले लेना चाहिए। संतान संबंधी मामलों में सहूलियत मिलेगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा।
अध्ययन अध्यापन में सफलता की संभावना बनती है, प्रयास जारी रखें। मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आठवें घर में बृहस्पति के साथ चल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं, मानसिक तनाव, मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना और कार्य क्षेत्र में रुकावट का संकेत मिलता है। कार्य ऊर्जा में कमी और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। चंद्रमा के मंगल और राहु दोनों के नक्षत्रों का फल मिला जुला मिलेगा और संतुष्टि प्रधान मानसिकता में कमी आ सकती है। कार्य योजनाओं की निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास करें और महत्वपूर्ण निर्णय कल के लिए टाल दें। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखें और मानसिक शांति के लिए व्यायाम व योगा करना चाहिए। संतान संबंधी मामलों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा और अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।